रिएक्शन मंचिंग में रोस्ट के नाम पे रिएक्शन देके लोगों की मात चोद पर अब मेरे पे वीडियो बनते देख गन फट गया तो तू बता अब मैं क्या करूं जिससे मैं रिप्लाई भी दे दूं और मेरे को सिंपैथी भी मिल जाए बोलना कुछ तो सॉल्यूशन दे कुछ तो कर दे हेल्प ये क्या कर रहा है रिएक्शन देके हेल्प कर रहा हूँ तो स्वागत पे भी रिएक्शन ही देना अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं सिंपैथी गेन करूँ कैसे करूँ सिंपैथी गेन भाई कैसे करूँ So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive. A few moments later. केचप दूं और सिंपैथी और फॉलोअर्स मिलेंगे यार मजाक हो रहा है क्या रोना धोना करके वीडियो में से कॉन्टेक्स्ट को ऐसे गायब कर देते जैसे सेलू के फुटपाथ केस के वीडियो मैं आ जाऊं क्या अपनी पर मिल मेरे को कई बार भैया मेरा मुंह निकल गई मेरी जबान टूट गई यार मैं लिख के देता हूं अगर ये रोने के साथ साथ थोड़ा खून की उल्टी कर देती ये बोल के कि सभी रोस्टर्स ने मुझ पे वीडियो बना के मुझे ब्लड कैंसर दे दिया है तो अभी तक सभी रोस्टर्स के लोहे लग जाते इसे सिंपैथी के साथ फॉलोअर्स भी मिल जाते अपनी सूर्पनखा की तरह चैनल को सब्सक्राइब घंटा घंटी कर दो और? जो वीडियोस यूट्यूब अलाउ नहीं करता वो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे डालता हूँ तो इंस्टाग्राम पे आके हमको ज्वाइन कर लो हाँ तो आज हम रिएक्शन मंचिंग की पार्टनर इन क्राइम AKA सलोनी सिंह आई एम 18 इयर्स ओल्ड एंड आई रन अ यूट्यूब चैनल नेम सलोनी आपा क्यों क्योंकि चुतिया से राइम करता है तुम्हारे कंटेंट को देख के सलोनी आपा नहीं बल्कि टट्टियाप्पा नाम होना चाहिए एक टिकटॉक से यूट्यूब पे आई तो दूसरा यूट्यूब से मुजरा हाँ पे चला गया समझ रहे हो ना और? तो आज हम इन दोनों की गेंद आड़ के रखते हैं और उसके साथ ही आप लोगों को दिला देंगे तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब घंटा घंटी करके स्पॉन्सर के लिए तैयार हो जाओ तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ अंग्रेजी हाँ तो आज के अपने फेक स्पॉन्सर है बिस्लू लिद द चेंजर इसमें आपको अपरिचित का मुंह मिलता है जिसे आप अपने रूप से लेके प्लेटफॉर्म तक को एक चुटकी में चेंज कर सकते हो और इसके ब्रांड एम्बेसिडर है अपने लोबर्स जिन्होंने हाल ही में टिकटॉक से यूट्यूब और यूट्यूब से छोटे कोठे पे शिफ्ट मारा है hey guys, it's me, reaction, मौन्ची। तो ऐसे ही आप भी इसे पी के छोटी से बड़ी लुली कर सकते हो और इसे पी के आप अपने कांड को छुपा सकते हो बस आपको जिंदगी लेके आप अपने आंखों में डाल लो और ये बोल देना कि मेरे पापा बहुत गरीब है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो लाइक करो कमेंट करो और मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करो @sunkyroast पे तो चलिए गुरु हो जाते हैं शुरू यूट्यूब मैंने अभी से एक साल पहले शुरू किया था 25 दिसंबर 2019 इधर लिख लो कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए यूट्यूब मैंने अभी से एक साल पहले शुरू किया था 25 दिसंबर 2019 जब टिकटॉक बैन होने का कोई न्यूज तक नहीं आया था तूने कब ज्वाइन किया कौन से दिन ज्वाइन किया कितने बजे ज्वाइन किया किस मुहूर्त पे ज्वाइन किया उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है पर तूने क्या कुछ कहा है वो सब दिखा दूंगा तो तेरा हट के फ्लावर हो जाएगा और? आपका एक एक वीडियो है सर देख लेना सर अब तक पहुँचेगा तो मालूम नहीं देख लेना सर ऑडियंस लोग थोड़ा ज्यादा हेवीली ले रहे हैं कि यूट्यूब ही अच्छा है जब यूट्यूब पे तो कोई है ही नहीं खराब टिकटॉक पे ही सब खराब है ऐसे थोड़ा ज्यादा हो रहा है यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्रिंज क्रिएटर्स हैं बहुत सारे गाड़ी कितनी ऑसम है मतलब इसने खुद का फ्यूचर पहले ही बता दिया था कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्रिंज क्रिएटर्स हैं बहुत सारे ये दीदी के बोल टिकटॉक बैन होने से पहले के थे और आज खुद दीदी यूट्यूब पे आके टिकटॉक और रील्स वालों को क्रिंज बोल रही है मतलब जब ये टिकटॉक पे थी तो वहाँ के प्लेटफॉर्म को डिफेंड करके यूट्यूब के क्रिएटर्स को ही क्रिंज बोल दिया था ताकि टिकटॉक की ऑडियंस इसे बॉयकॉट ना कर दे फिर क्या हुआ फिर जब टिकटॉक के तो यूट्यूब पे फुल टाइम होके अब टिकटॉक के वीडियोस को क्रिंज बोल रही है ताकि यूट्यूब के ऑडियंस सपोर्ट करे क्योंकि टिकटॉक और टिकटॉक की ऑडियंस बची नहीं तो इसे यूट्यूब पे आके क्या ही हेट देंगे खेलो दिमाग से खेलो खेलो दिमाग से तो ये दीदी की हिपोक्रेसी का हो या फिर एक्सपोज हो गया तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा ये बोलते हुए कि जागो ग्राहक जागो नाथू के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा गंद भरो नाथू के दिमाग में ज्यादा से ज्यादा गंद भरो गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करो भाई बंद करो मुझे ठगेश के ठग वीडियोस पसंद थे उसको लोग बोल रहे थे कि वो कॉपी करता है बाकियों के कंटेंट तो वो बोलता है कि भाई मेरे भी बहुत लोगों ने कॉपी करे लेकिन मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला जब से ठगेश ने वाली बात बोली तब से मैंने यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो नहीं देखा सिर्फ धीरू के वीडियोस देखती हूँ मैं और वो भी अगर सिमिलर टॉपिक पे होते तो मैं वीडियोस ही नहीं देखती उसके ताकि गलती से भी ना हो जाए कि मैं उसका सेम चीज बोल दूं और फिर लोग कॉपी करके बोलने लगे जो खुद दूसरे का वीडियो कॉपी करे उसका भी तू वीडियो कॉपी कर ले फिर तो इस दुनिया में तेरे से बर्बाद कोई नहीं है सिमिलर टॉपिक पे वीडियो बनाना मतलब कॉपी जोमेटो और रोडरेज का मिक्स करके सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो मैंने बनाया उसके बाद बहुत लोगों ने बनाया तो मैं जाके सबको बोलूं कि भाई तूने तो कॉपी कर लिया
मेरा वीडियोस पे रिएक्शन देके और थोड़ा सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लटपटाई वाली बकर बकर करके खुद को रोस्टर बोलते होगे तो न्यूज चैनल और तुम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और? अगर जल्दी अपलोड करने से ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कहलाते तो सभी यूट्यूब को टिकटॉक बना देते 10-15 सेकंड की वीडियोस पोस्ट करके। छोटे समझ में आया क्या? दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दो, लोग मेहनत करते हैं। हाँ, दूसरे का कॉन्टेंट कॉपी करने में। पर हगेश और रिएक्शन मॉन्चिक ने तो सॉरी बोल दिया है। चोर चोरी करते वक्त पकड़ा गया तो उसके सॉरी बोलने पे भीड़ उसे माफ कर देगी या फिर उसकी गांड फाड़ देगी। अब बोल, अब बोल ना मर्डर चोर। भाई भाई भाई। भक्त बनो पर टट्टू भक्त मत बनो कि उसके खुले में आके हक के जाने के बाद भी तुम बोलो कि उसने तो खुले में ही सिर्फ हगा है, टॉयलेट तो गंदा नहीं किया ना। अभी मर्डर चोर। दीदी को उसके ऊपर रोस्ट वीडियो बने तो उसको काउंटर भी करना है, दीदी को गाली भी देनी है। मेरा कंटेंट सिर्फ गालियों और डबल मीनिंग जोक्स तरन करता है। हाँ बहन शोध करता है। और साथ ही दीदी को सिंपति के लिए रो भी देना है। तो दीदी ऐसे कैसे चलेगा दीदी? नाथू इसके ऐसे फेक सिंपत्ति कार्ड खेलने और इसके ऐसे गिरगिट जैसे रूप बदलते देख इसके चड्डी बड्डी को कुछ बोलना है तो इसे बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तो जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कौन बढ़ा रहा है? आप बढ़ा रहे हो, हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम उनको देखना ही छोड़ देंगे तो व्यूज जाने बंद हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप लोग समझो कि एक्चुअली क्या गलत है। जो गलत है उसको गलत मानो, जो सही है उसको सही मानो। ऐसे लोग को रिपोर्ट कर दीजिए, दैट्स ऑल। मैं बस यही कहूंगा कि अच्छा और ओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट करो और ऐसे सिंपति पे चलने वालों से अपना देश बचाने की कोशिश करें। अगर देश बचने में अपना आप असफल होते हैं तो अपने जिले को बचाओ। यदि जिला भी अपने काबू में ना हो तो अपने गांव बचाओ। यदि गांव भी अपने काबू में ना होता हो तो अपना घर बचाओ। और घर भी अपने यदि कहने में संयम ना बरतता हो तो उनसे ये बोलो तुम्हारी सबकी मच खाओ और अपन खुद भी बच जाओ। बस मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। हाँ तो आज हम देसी सुरपना खा के सब केबीसी खेलेंगे और आपको दिलाएंगे। तो क्यों बैठे हो खाली? बच्चों बजाओ ताली। नाथू लगा दे इंट्रो। लौड़ी साली क्या बनोगी चूतिया? तू YouTube से पहले कहाँ पे बवासीर फैला रही थी? TikTok। तेरे कॉपीड कंटेंट में मैच्योर ऑडियंस को कितना इंटरेस्ट है? जीरो इंटरेस्ट। तू ये फेक सिंपति वाली वीडियो बना के लोगों का क्या कर रही थी? मैं पचका कर रही थी। तेरा फेवरेट फिश बॉय कितने कस्टमर को डेली उड़ा के लेता है? 19। सेंस ऑफ ह्यूमर तेरे कहाँ नहीं आता? मेरे वीडियोस में लोग तुझे कहाँ पे बॉयकॉट कर रहे हैं? यूट्यूब पे। दीपक दलाल खुद के बुंड में क्या डाल के लेता है? पोटैटो। तेरे वीडियोस देखते ही लोग क्या बोलते हैं? कोरोना में सलमान भाई का एंटीडोट कौन है? जैकलीन। लोग किसे बॉयकॉट कर दिए थे टिकटॉक से? मुझे। तू खुद की वीडियो देख ले तो तुझे क्या हो जाता है? मेरा मूड गंदा हो जाता है। गिरगिट की तरह कलर चेंज करना कब बंद करेगी? लॉकडाउन के बाद। तेरे को सिंपति कार्ड खेलने के अलावा और कुछ आता है क्या? मेरे को नहीं आता यार। रिएक्शन मॉन्चिक का लोस्टर देख के तेरा क्या हो गया? मेरा मूड ऑफ हो गया। तूने बिल्कुल तेरे टिकटॉक करियर की तरह यहाँ भी बॉयकॉट करवा दिया है तो इसी बात पे मैं तुझे दूंगा। क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो छोटी लुल्ली वाला।